वेलकम फ्रेंड्स, मम्मी द हुनर चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए 2.5 का क्रोशिया लेंगे और एक स्लिप नॉट। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 चेन बनाएंगे। फर्स्ट चेन के बैक साइड से स्लिप स्टिच लेंगे और एक छोटा सा सर्कल तैयार होगा, उसके साथ 3 चेन बनाएंगे और इस सर्कल से हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1, 2, 3 एंड 4 इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 और 3। इसे टर्न करेंगे और फर्स्ट वाले चेन से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और ये 3। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे और लास्ट वाले चेन के सेंटर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3 एंड 4। डबल क्रोशिया के लिए क्रोशिए पर एक बार हमें ऊन लपेटनी होती है। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इसे टर्न कर लेंगे। थर्ड रो बनाने के लिए फिर से अब हम फर्स्ट सेंटर पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक बहुत ही प्यारा सा टी कोस्टर हम बना रहे हैं। आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब ये जो सेंटर वाला पॉइंट है वहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया लेंगे। डबल क्रोशिया के लिए क्रोशिया पर ऊन को एक बार लपेटना होता है और फिर 2 बार उतारना पड़ता है। अब लास्ट में देखिए इस तरह से 1, 2, 3 और 4 4 डबल क्रोशिया लेंगे और फिर 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। फिर इसे टर्न करेंगे हम। फिर उसी तरह से फर्स्ट चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हार्ट शेप का ये टी कोस्टर आप बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए नायलॉन का धागा ले सकते हैं, कॉटन का धागा ले सकते हैं या ऊन ले सकते हैं। आपकी जो पसंद है उस हिसाब से आप अपनी चॉइस के अनुसार यार्न का उपयोग कर सकते हैं। नायलॉन, कॉटन या रेशम कोई भी आप लें, बहुत ही सुंदर लगता है और इस तरह से बहुत ही सरल है। लास्ट में फिर से हम 4 बार डबल क्रोशिया लेंगे। इस तरह से ये देखिए यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हमने ले लिए हैं और 3 चेन। अब इसे हमें फिर से टर्न करके उसी तरह से एक बार और बनाना है। वैलेंटाइन के समय अगर हमें किसी को गिफ्ट करना है या किसी फ्रेंड सर्कल को देना है तो भी हम ये सेट बनाकर दे सकते हैं। घर के लिए काफ़ी यूज़फुल है और बिगिनर्स के लिए बहुत ही इजी है। आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। सेम स्टिच है डबल क्रोशिया की। डबल क्रोशिया के लिए आप देख सकते हैं कि ऊन को एक बार क्रोशिया पर लपेटनी होती है। फिर हम इस तरह से एक बार लेते हैं, 2 बार
और फिर ये कंप्लीट होती है। यहाँ पर लास्ट में आप इसे 4 बार लेंगे। अगर बेसिक ट्यूटोरियल आपको देखना है तो मेरे आगे के वीडियो हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। इस तरह से अब देखिए, यहाँ पर ये जो सेंटर है इसमें से अब हमें लेना है, कॉर्नर से नहीं, बीच से लेना है 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। लास्ट वाला कॉर्नर हमें छोड़ देना है और बीच से लेना है 3 3 डबल क्रोशिया। हम हर एक खाली जगह जहाँ पर है वहाँ से बना लेंगे। यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार। और फिर देखिए लास्ट में हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। लास्ट सेंटर पर 1 डबल क्रोशिया बनाकर 3 चेन बना दीजिए इस तरह से। यहाँ पर राउंड शेप आएगा। अब 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं पर सेंटर में, कॉर्नर पर नहीं। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाइए और फिर 3 चेन बनाइए। सेंटर वाले में स्लिप स्टिच लेनी है, स्लिप स्टिच लेकर फिर से 3 चेन हमें यहाँ पर बनानी है। और 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर से यहाँ पर हमें 3 चेन बनाकर स्लिप स्टिच लेनी है। और ये लास्ट का भाग है इसलिए 1 चेन बनाएंगे यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से। अब इसकी फिनिशिंग के लिए हम जो साइड के किनारे पर जो एक एक हुक है वहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेने हैं, 1 सेंटर से 3 बार 3 3 सिंगल क्रोशिया हमें यहाँ पर लेने हैं। हर एक हुक में हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं लास्ट तक। और जब हम लास्ट के सेंटर पॉइंट पर आ जाएंगे तो वहाँ पर हमें देखिए यहाँ पर 6 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर 6 बार सिंगल क्रोशिया बनाइए। अब हर एक हुक में से 3 बार सिंगल क्रोशिया लेना है। ऊपर तक इसी तरह से बनाते जाइए। ये इसकी बॉर्डर बनेगी, फिनिशिंग के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा। आप किसी भी प्रकार का यान लेकर इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ पर लास्ट में हमें 3 सिंगल क्रोशिया लेने के बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पर अब हमें शेप बनाना है। तो पहली चेन से 1/2 डबल क्रोशिया जिसमें तीनों कुंदे एक साथ उतारने हैं, और दूसरे पॉइंट पर हमें 1/2 क्रोशिया लेना है 2 चेन में। इस तरह से। और जो सेंटर का पॉइंट है वहाँ पर स्लिप स्टिच लेनी है। देखिए यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया लेंगे हम, और ये स्लिप स्टिच लिए। अब जो चेन है उसमें से सिंगल क्रोशिया लेंगे
फिर यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया, फिर दो डबल क्रोशिया लेंगे, फिर तीन सिंगल क्रोशिया और लास्ट जो चेन थी उसके फर्स्ट भाग में स्लिप स्टिच ले लेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। ये ट्यूटोरियल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब जो एक्स्ट्रा ऊन है उसे हम इंसर्ट कर देंगे सुई की मदद से। जो यार्न एक्स्ट्रा है उसे आप हुक या सुई की मदद से इंसर्ट करके कट कर दीजिए। इस तरह से इसकी फिनिशिंग हो जाएगी। ऑफिस में, घर में, डाइनिंग टेबल पर, राइटिंग टेबल पर ये टी कोस्टर बहुत ही अच्छे लगते हैं। आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह से ट्यूटोरियल बनाइए आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।